आपने हिंदी फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जब दो दुश्मन अपनी वर्षों पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन जाते हैं तो बैकग्राउंड में बड़ा मधुर संगीत बजने लगता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दर्शकों के मन में खुशी के भाव पैदा किया जा सके। आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर देखने को मिली। आज नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बॉर्डर पर मौजूद डीएमजी में जाकर पहली बार साउथ कोरिया की जमीन पर अपने कदम रखे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी रही है, लेकिन आज 68 वर्षों के बाद इन दोनों देशों ने अपनी दुश्मनी को भुलाकर नई दोस्ती की शुरुआत की है। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं और इनकी चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। पहली तस्वीर में किम जोंग अपने देश नॉर्थ कोरिया की सीमा से पैदल चलकर साउथ कोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां उनका स्वागत करने के लिए साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन अपने देश की सीमा पर खड़े हुए हैं। इसके बाद दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कुछ देर बातचीत की। ये नेता जिस जगह पर खड़े हैं वो डीमिलिटराइज्ड जोन कहलाता है, डीएमजी। इसके बाद किम जोंग उन ने साउथ कोरिया की धरती पर अपना कदम रखा। इस ऐतिहासिक पल की तस्वीरें लेने के लिए दोनों देशों के मीडिया को बारी बारी से पूरा मौका दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था। इसके बाद साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को आगे रेड कार्पेट की तरफ बढ़ने के लिए कहा, लेकिन किम जोंग उन ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप भी नॉर्थ कोरिया की सीमा में प्रवेश कीजिए। ये सुनकर मून चौंक गए और एक पल के लिए सोच में भी पड़ गए, लेकिन किम जोंग उन को उनका हाथ पकड़कर उन्हें नॉर्थ कोरिया की सीमा में ले आए। इसके बाद दोनों नेता वापस साउथ कोरिया की सीमा में आए और फिर किम जोंग उनका स्वागत उन्होंने किया। इसके बाद दोनों नेता साउथ कोरिया के पीस हाउस की तरफ चले गए। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। 68 वर्षों की दुश्मनी और नफरत को भुलाकर इस तरह गले मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। ये मशहूर हैंडशेक भी आप देख लीजिए और उसके बाद हग भी देख लीजिए, यानी कैसे ये दोनों गले मिले। ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है जो पूरी दुनिया के अखबारों में छपेगी। पिछले कई दशकों में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर कई बार हमला किया है, उनके राष्ट्रपति को मारने की कोशिश भी की है। ऐसे में सब कुछ भुलाकर दोस्ती की नई शुरुआत करना और कूटनीतिक रिश्तों का रीसेट बटन दबाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। यानी एशिया में आज एक और जगह रिश्तों को रीसेट किया जा रहा था और वो जगह ये थी, और वो दोनों नेता इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। अपनी दोस्ती को यादगार बनाने के लिए दोनों नेताओं ने ट्री ऑफ पीस यानी शांति के पेड़ पर मिट्टी भी डाली। वहां पर एक शांति का वृक्ष है और उस शांति के वृक्ष पर दोनों ने मिट्टी डाली, जो कि दोस्ती का संकेत होता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो तानाशाह अपनी सनक और परमाणु हथियारों की जिद के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है, वो आज शांति के लिए वृक्ष लगाने का काम कर रहा है। इसके पीछे किम जोंग उन की एक बहुत बड़ी रणनीति है जिसे आपको समझने की जरूरत है। किम जोंग उन इसी वर्ष मई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, और इससे पहले वो अमेरिका को यह संदेश देना चाहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया का व्यवहार बदल चुका है और अब वो दुनिया में शांति कायम करना चाहता है। इन तस्वीरों से किम जोंग उन ये संदेश देना चाहते हैं कि वो परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने के लिए तैयार हैं और ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। किम जोंग उन ने गेस्ट बुक में अपने संदेश में लिखा कि ये एक नए इतिहास की शुरुआत है, ये शांति का एक नया युग है। अब आप ये तस्वीर देखिए जिसमें किम जोंग उन अपनी कार से वापस नॉर्थ कोरिया लौट रहा है। वो तस्वीर अभी हम आपको दिखाएंगे और बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। कार के साथ उनके 12 सुरक्षा कमांडो भी दौड़ रहे हैं। किम जोंग उन अपने पुराने दुश्मन के इलाके में हैं और उन्हें डर है कि उन पर कोई हमला न कर दे, इसलिए वो अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाकर रखना चाहते हैं। किम जोंग उन का यह डर उन्हें अपनी पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिला है। ये वो तस्वीर है जिसकी हम बात कर रहे थे।
जब किम जोंग उन आ रहे हैं उस समिट के लिए, तो उनके जो सुरक्षा गार्ड हैं वो उनकी कार के साथ साथ एक सुरक्षा घेरा बनाकर दौड़ रहे हैं। उनके इस डर और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की पुरानी दुश्मनी को समझने के लिए आपको 1950 वाले फ्लैशबैक में आज जाने की जरूरत है। ये दुनिया के सबसे बड़े दुश्मनों के बीच दोस्ती की शुरुआत है। ये एक सनकी तानाचाह के मन में शांति की शुरुआत है। परमाणु हथियारों के शौकीन के हाथ में शांति का पेड़ बहुत बड़ा बदलाव है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को पूरी दुनिया परमाणु हथियारों की होड़ के लिए जानती है, लेकिन इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लोग हैरान हैं कि हथियारों की बात करने वाला किम जोंग अब शांति की बात कर रहा है। एक बात तो तय है कि ये किम जोंग की हृदय परिवर्तन से ज्यादा कूटनीति की सोची समझी चाल है। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया ने अपनी दुश्मनी को भुलाकर रणनीति में बदलाव की शुरुआत की है। नॉर्थ कोरिया ने इस साल साउथ कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में अपने खिलाड़ियों को भेजकर दोस्ती का संदेश भेजा। इसके बाद साउथ कोरिया की धरती पर किम जोंग का आना दोस्ती को मजबूत करने का सबसे कामयाब तरीका है। इसके बाद पूरी दुनिया की नजर किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर टिकी है, इसीलिए किम जोंग अपनी और नॉर्थ कोरिया की छवि साफ करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एशिया के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि एशिया में दो जगहों पर दो जबरदस्त मीटिंग हुई हैं। पहली प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच, और दूसरी मीटिंग ये। और इस वक्त दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हमारे संवाददाता रमेश रामचंद्रन मौजूद हैं, जिन्होंने आज दिन भर इस ऐतिहासिक मुलाकात को जी मीडिया के लिए कवर किया है। रमेश, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किम जोंग उन का हमने एक नया रूप आज देखा है, और एक ऐसा लगा जैसे दुनिया को वो अपना एक सॉफ्ट फेस, एक सॉफ्ट रूप दिखाना चाहते हैं, दुनिया को कुछ संदेश देना चाहते हैं इन सारी तस्वीरों को के जरिए। क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी है उनकी? ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सवाल है कि क्या ये उनका हृदय परिवर्तन हुआ है या एक सोची समझी चाल है, एक स्ट्रैटेजी है, एक टैक्टिकल एक पोजिशनिंग है, ताकि वो समय खरीद सकें और आने वाले समय में ट्रंप के साथ जो बातचीत होगी उसका उसके लिए और एक 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 ग्राउंड प्रिपेयर करें। वो अपने आप में एक 35 साल के कम उम्र के पॉलिटिशियन है, नेता हैं। उनका जो परिवार है पिछले 7 दशकों से उत्तर कोरिया को चलाते आया हुआ है,
तो उस पर राज करता हुआ आया, तो उनका उनका ये सोच बन गया कि वो एक डिक्टेटर के रूप से देखे जाते हैं। तो एक इस शांति वादक के नज़रिए से देखा जाए तो उनका उनके लिए एक पीआर सक्सेसफुल पीआर कैंपेन रहा है। उन्होंने देश को और ख़ासतौर पर ट्रंप को ये बताया है कि मैं शांति का दूत बन के आपसे मिलने आऊँगा अगले महीने या जून के पहले हफ्ते में। तो उन्होंने एक एक नज़र से देखा जाए तो ट्रंप पे एक प्रेशर बनाया है कि वो भी आज उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उसी तरह वो भी एक शांति वार्ता के लिए एक प्रयास एक कदम उठाए। तो पीआर पब्लिक रिलेशंस नज़र से देखा जाए तो दिस वाज अ सक्सेसफुल कैंपेन फॉर किम जोंग उन, जो उत्तर कोरिया के नेता हैं जी। और मैं जैसे देख पा रहे हैं, आपने भी देखा होगा, आज दिन भर ज़बरदस्त तस्वीरें हमें देखने को मिली और इन तस्वीरों की कल्पना करना भी शायद कुछ महीने पहले तक बहुत मुश्किल था। कोई सोच नहीं सकता था कि ये दोनों नेता इस तरह एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। हैंडशेक तो किया ही उन्होंने, साथ में हग भी हमें देखने को मिला। तो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है दोनों देशों के बीच। आपको लगता है कि दोनों देशों में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को भी इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, आज जो यहाँ पे शांति वार्ता दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ है उससे उसके चलते जो ये जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि दोनों कोरिया जो कोरियाई प्रायद्वीप है, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया, इनके रिश्तों में सुधार आएगा। देखा जाए तो जो आज दिन भर जो चर्चा हुई, किम जोंग उन जो उत्तर कोरिया के नेता हैं और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इनके साथ जो पैनमुम जोम जो बॉर्डर इलाके में एक सटा हुआ गाँव है वहाँ मिले, दिन भर उनकी बातचीत रही और शाम को जो साझा दस्तावेज उभर के आए उसमें कई विषयों पर चर्चा और आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है। पहला जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है वो है परमाणु हथियारों को लेके। दोनों नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि परमाणु हथियारों की संख्या और अहमियत कम करने के लिए दोनों देश प्रयास करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है वो ये है कि जो 65 साल से जो तनाव का माहौल बना रहा है कोरियाई प्रायद्वीप पर, जो टेंशन बना हुआ है, जो वॉर चलता है, उसको बंद किया जाए, उसको खत्म किया जाए और एक साझा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया जाए आने वाले दिनों में। और तीसरी महत्वपूर्ण डिसीजन जो लिया गया वो आज वो ये था कि इंटर कोरियन रिलेशन जो पीपल टू पीपल टाइज है, दोनों देशों के बीच में जो आम लोगों की जो 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 इंटरेक्शन रहा है उसको बढ़ावा दिया जाए, खास तौर पे उन परिवारों को दोबारा से जोड़ा जाए, मिलाया जाए जो कि 1953 के युद्ध के बाद बिछड़ गए थे। तो दोनों नेताओं ने यह निर्णय लिया कि इन परिवारों को मिलाया जाए आने वाले समय में और तेजी से उस पर काम किया जाए। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इस शांति वार्ता के अच्छे परिणाम दोनों देशों पर मिलेगा और खासतौर पर अन्य देशों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जी रमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे थे कि एशिया के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक था। दो जगहों पर दो मुलाकातें हुई, बहुत बड़ी मुलाकातें हैं और दोनों ही जगह जी मीडिया की टीम और संवाददाता मौजूद थे। इसीलिए आज हम पहले आपको वुहान शहर लेकर गए, उसके बाद हम आपको साउथ कोरिया की राजधानी सोल लेकर गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नेता आपस में गले मिल सकते हैं तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी दोस्ती हो सकती है। और दोस्ती का ऐसा लगता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की आप बात करें तो ऐसा लगता है कि ये जो समय है ये दोस्ती का समय चल रहा है। सारे नेता, सारे दोस्त जो अब तक दुश्मन थे वो एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते हैं। और जैसा कि चीन के राष्ट्रपति ने भी आज कहा कि ये वसंत ऋतु है और वसंत ऋतु चीन के कल्चर में बहुत शुभ मानी जाती है और सारे अच्छे काम वसंत ऋतु में होते हैं। तो हो सकता है भारत और चीन के संबंधों को लेकर ये एक नई वसंत ऋतु की शुरुआत हो। और जैसा आज हमने आपको लगातार बताने की कोशिश की, ये एक अलग तरीके का विश्लेषण हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि अगर भारत और चीन दोनों एक साथ मिल गए तो 270 करोड़ की जो आबादी है दुनिया की, जो लगभग 35% की आबादी है, ये सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक बन जाएगा, सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी और यही दुनिया की सबसे बड़ी ये बाजार भी बन जाएगा। इसलिए संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, संभावनाएं बहुत, आप ऐसा समझ लीजिए कि इस समय कल्पना करना भी मुश्किल है। और जो स्वर्णिम युग हुआ करता था आज से 2000 पहले, जब भारत और चीन का वर्चस्व था दुनिया पर और जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हो सकता है अब भारत उस स्थिति में ना पहुंच पाए, लेकिन अगर भारत और चीन अगर मिल गए तो हो सकता है वो स्थिति एक बार दोबारा से लौट आए। और दूसरी जगह से आपको फिर से बता दें, ये वो ग्राफ है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें आपको
स्वर्ण युग आपको दिखाई देगा, जो सबसे पहले आपको पहली शताब्दी में दिखाई दे रहा है, और उसके बाद कैसे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का उदय हुआ और भारत और चीन नीचे लगातार डिप करते चले गए, यही आज हमारा विश्लेषण है। इसको आप याद करके रखिए, ये आपको बहुत प्रेरणा देगा, बहुत उत्साह देगा, और ये विश्लेषण आपको ये भी बताएगा कि अमेरिका जैसे देश जो जीरो से और नंबर एक बन सकते हैं दुनिया में, और चीन जो नंबर एक से, चीन और भारत जैसे देश जो नंबर एक से बिल्कुल नीचे आ सकते हैं, तो ये तस्वीर दोबारा भी बदली जा सकती है। और दूसरा विश्लेषण ये है कि अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नेता एक दूसरे से गले मिल सकते हैं, तो क्या बड़ी बात है, हो सकता है एक दिन भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसे ही रिश्ते दोबारा से कायम हो जाएं।